हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और आपको भी ले चलते हैं साथ। और सबसे पहले हम जाएंगे अपनी शॉप पे। ये देखें कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन आए हैं, सब डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और ये देखिए, मैंने इतना प्यारा सा बुर्का पहना है आज। और हम कर रहे हैं अपनी गाड़ी का वेट, और जब तक मैं यहाँ पे स्टाइल भी मार रही हूँ थोड़े से। और यहाँ हमारी गाड़ी आ गई है और मैं और अम्मी जा रहे हैं मार्केट। फाइनली अब हम निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। और ये देखें रशी रश, आज हम जा रहे हैं रमज़ान के लिए शॉपिंग करने। और क्या क्या लेने वाले हैं हम गोश्त, मुर्गी, सब्जियाँ, दालें, महीने का सामान, सारा महीने का सामान लेंगे ताकि हम रमज़ान में आराम से फ्री हो जाएं, है ना? करीब वाले पेट्रोल पंप चलें, समंदर पे भी दूर पड़ेगा। दोनों सास बहू अकेले ही घूमते रहते हैं क्योंकि ना तो इनके मियाँ के पास टाइम है और ना हमारे मियाँ के पास टाइम है। ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, जगह जगह सिग्नल बंद है। और अम्मी को इतनी टेंशन हो रही है कि हम बहुत लेट निकले हैं और आज वीकेंड भी है तो हम बहुत ज़्यादा देर में घर पहुँचेंगे और बहुत ज़्यादा देर में हमारी शॉपिंग होगी। अब देखें क्या होता है। अभी तो हम फिलहाल रास्ते में ही फंसे हुए हैं। नाज़रीन कुछ बोले व्यूअर्स को, क्या बताएं? बताएं ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए? आराम से करनी चाहिए, जिसमें कोई जल्दी ना हो, कोई अल्लाह ना करे हादसा ना हो, बस आराम से करनी चाहिए। हमेशा ऐसे फंस फंस के जाना चाहिए। अच्छा है, ट्रैफिक बंद रहेगा, आपकी ड्राइविंग भी स्लो होगी। हर चीज को एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए ना, मेहनत में, है ना? ये देखे माशाल्लाह हमारी प्रोफेशनल ड्राइवर। ऐश करें, ऐश अपने पैसों से ऐश करें। मार्केट पहुंच चुके हैं। कितनी देर बाद पहुंचे हम? पौन घंटे बाद हम मार्केट पहुंच चुके हैं। और हम सबसे पहले अब गोश्त का ऑर्डर देंगे और फिर बाकी शॉपिंग करेंगे। देखो कहाँ आ गए, मार्केट है मार्केट। और यहाँ हम आ गए हैं, ये है अजमान की सबसे बड़ी मीट एंड वेजिटेबल मार्केट, सब्जी और गोश्त की मार्केट। आपको पता है मुझे डर लगता है। ये तो तुम्हारा क्या कर रही है भाई? भाई डर लगता है भाई हमें।
ये है मीट शॉप। अस्सलाम वालेकुम। क्या किलो है? ये पुराना थी तो राम का बोल चाहिए मुझे। तीन किलो चाहिए। बहुत किलो अच्छा, एक किलो रूखा बिल्कुल गोल। कितना ले रही है? तीन किलो। एक किलो गोश्त, एक किलो गोटी, एक किलो कीमा। हाँ जी, रू का हाथ ठीक है। एक किलो गोश्त। पावा पावा क्यों पावा? वाह भाई, जाएगा देखो हम क्या लगा रहे हैं। अबे ये पूरी वर्ल्ड में पैसे निकालना ही बोली करनी है। काट दो। वो जैन भी आ गए। आप जैन का पूछ रहे थे ना, जैन भी आ गए। नहीं इधर ही छोटे पीस बनाने। हाँ बेटे, पूरी बीफ और मटन की गोश्त की मार्केट है। आओ अलीजा, आओ अलीजा, आओ। ये पूरी मार्केट है, हम तो एक शॉप पे आए हैं। ये पूरी मार्केट ही गोश्त की मार्केट है, ये देखें। और ये है इनकी शॉप, दारुल मदीना मीट ट्रेडिंग। यहाँ पर आएँ और इनसे गोश्त लेकर जाएँ। गोश्त ले लिया है, अब हम जाएंगे मुर्गी वाले की शॉप पे। और गोश्त वाला खाएंगे? मैं नहीं जाऊंगी मुर्गी वाले की दुकान पे, जिंदा मुर्गी है वहाँ पे। अच्छा बात तो ये गाड़ी तक लेके जाना है की जी। सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है अलीजे के साथ, क्योंकि अलीजे इतनी तेजी से हाथ छुड़ा के भागने लगी है कि इसको घर से निकलते ही सिर्फ भागना होता है तेज तेज। हम अपनी गाड़ी में जाएंगे और गाड़ी को करेंगे दुकान के सामने पार्क, ताकि हम आराम से शॉपिंग कर सकें और हमें कोई मसला ना हो, वरना चलने चलने में इतनी बुरी हालत हो रही है। गर्मी बहुत है भैया। ये आ गई है भाई वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप। आ जाए अम्मी, इसी शॉप से लेते हैं हम। प्याज नहीं, ये वाला बड़ा बड़ा कार्टून है, ये वाला 35 है।
छोटा ही लेना, बड़ा नहीं लेना। मम्मी बात सुना, टमाटर की वाली लेना, बड़ी वाली इसको पीस कर लेंगे, लेकिन प्याज छोटी लेंगे। आपको ले दो और प्याज टमाटर ना तो भी है। अच्छा खराब ना हो, मीठे के खराब ना हो। हां नहीं देखा तो मैं आपको पूरी शॉप दिखाती हूं, देखें कितनी सारी सब्जियां हैं यहां पे। ये पूरी एक तरीके से सब्जी मंडी है, यहाँ फल सब्जियाँ सब मिलता है। क्या क्या ले रही हैं? अभी ले रही हूँ। फलों में क्या क्या ले रही हैं? फलों में तो मैं एक रुपये ले रही हूँ। ये यहाँ की पूरी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है, और यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में सब्जी और फल मंडी होती है तो सेम यहाँ पे मंडी साथ है। देखिए मेरे पीछे वाला भी मार्केट है और सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ। तीनों भी लेंगी? अलीजो अलीजे भुट्टा कैसे चेक करें? नहीं तो भुट्टा खा के थोड़ी चेक कर सकते हैं। दिखाए इधर, दिखाए इधर, दिखाए अंकल। मीठा वाला, मीठा वाला। हाँ सही है, सही सही है। खराब सामान नहीं देगा। कितने पीस ले रही है? कितने पीस भुट्टे के? कितने पीस? किलो? एक किलो, एक किलो काफी होगा। दो सही है, तीन दाना आएगा। अम्मी सेब सही है? देखो हाँ, देखो अब देखो, देख लिया मैंने पहले। किलो एक किलो ले लो, काफी नहीं होगा। आलू, आलू कौन सा चाहिए? आलू ये वाला लीजिएगा, ये कितने का है? ब्राउन वाला एक बार आप ही ले दो, मुश्किल। एक ये वाला एक दे दो। कितना ऑर्डर करो, कितना आलू है? लगी लो दे दे। अम्मी कितनी लूँ? एक किलो ले लूँ? एक एक किलो गाजर, एक किलो एक किलो गाजर, और एक किलो खीरा, और बंद गोभी, बंद गोभी है। सही सही देगा बंद गोभी, और वो हरा प्याज होता है ना, हरा प्याज, हरा प्याज भी चाहिए। गोभी भी सही देगा? हाँ बस ये वाली सही है। ये सारा सामान हमारा ये रखा हुआ, और लीमू भी देगा? ठीक ठाक खर्चा करवा दूंगी मैं। लीमू एक किलो, दो किलो लीमू एक काम करें, एक किलो कर दो। और हाँ ये शिमला मिर्च भी देगा। मैडम ये एक काम करें, ये आधा किलो ये कर दें, और हरा प्याज भी देना है। हरा प्याज ठीक है? हाँ ये सही है, ये वाली सही है। चलो पहले इसका हिसाब कर लें, और सही सही हिसाब करिए। पहले टोटल कर लें सब चीजों का, फिर माइनस के बाड़ी में रख दें। हमें यहाँ पे ही शॉपिंग करने में इतनी ज़्यादा देर हो गई है। क्या टाइम हो गया है? 11 बज गए, और अब हम जा रहे हैं घर। अब हम बाकी शॉपिंग बाद में करेंगे।
अब हम आ गए हैं घर और मैं यहीं पे व्लॉग को कर रही हूँ एंड उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़।